सो हेलो एवरीवन, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट और वीक सब्जेक्ट होगा। इसका मेन रीजन यह है कि हमने पहले इसको सही से पढ़ा नहीं होता और हमारा प्रोसेस कहीं ना कहीं गलत होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 10 तक इतने से पढ़ाई नहीं की या स्टेट बोर्ड से थे और जब अचानक से आप शिफ्ट होते हो क्लास 10 से 11th में, ठीक है, तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि भाई क्या चल रहा है। लिटरली मेरी फर्स्ट डे ऑफ फिजिक्स क्लास मेरे को बेसिक चीजें पता नहीं कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ठीक है, वहां से शुरू किया था। और वहां से बहुत सारे बच्चे एफर्ट डालते हैं बट कहीं ना कहीं उनका ट्रैक लूज होता है, उनका प्रोसेस जो है वो गलत हो जाता है, राइट। तो कैसे हम लोग सही में फिजिक्स पढ़े, क्या चीजें करनी चाहिए आपको और कैसे हम फिजिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे। ये सिंगल डे टास्क नहीं है, यह आपका एक प्रोसेस है जो आपको ग्रेजुअली इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए सबसे सही चीज क्या है इसको अपन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल बहुत सारे नोट्स पीडीएफ के लिए, ठीक है। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते सबसे पहले एनालिसिस से, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बात करूं 2016 की तो तब फिजिक्स में 100 मार्क्स बहुत थे। अगर तुम्हारे 100 मार्क्स है और तुम्हारा बायो और तुम्हारा केमिस्ट्री अच्छा है तुम निकल जाओगे। ऐसे ही ये मार्क्स जो है वो इंप्रूव होते गए और जैसे ही 2020 का पेपर हुआ उसके बाद से लगभग 2023 तक तुम्हें अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो फिजिक्स में 160 प्लस एम करना पड़ेगा। अब 160 लाने के लिए डिफिकल्ट चीज नहीं है। मैंने खुद ने अपने मार्क्स इंप्रूव किए थे 64 से, मेरे 64 थे नीट में, वहां से 165 और कई बार मेरे मॉक टेस्ट में 181-180 भी आए, ठीक है। बट उसके लिए इंपोर्टेंट क्या है कि अपने को पैटर्न समझना है। इट लुक्स डिफिकल्ट, ठीक है, लगता डिफिकल्ट है तो पैटर्न हमारा सही ना हो। लुक्स डिफिकल्ट अंटिल यू नो द पैटर्न ऑफ द नीट फिजिक्स पेपर। अब समझो मैंने आपके डिकोड कर दिया। अगर मैं बात करूं 2023 के पेपर की तो 2023 के पेपर में लिटरली बता रहा हूं, मैंने खुद काउंट किया है, ऐसे क्वेश्चन थे 14 क्वेश्चन जिनमें आपको पेन की रिक्वायरमेंट तक नहीं थी, एरर्स पूछ ली डायरेक्टली। ये एग्जांपल है मैंने क्या बताया 14 क्वेश्चन। तो अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, अगर आपके कंसेप्ट ने क्लियर कर लिया है तो आपको ये 14 क्वेश्चन करने में 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। टोटल 10 मिनट में आप लगभग 60 मार्क्स जो है 64 मार्क्स नीट में एंश्योर कर रहे हो, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि 14-15 क्वेश्चन तुम्हारे यहां से आने वाले है डायरेक्ट क्वेश्चन जिनमें कोई पेन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बहुत बेसिक, राइट। सेकेंड चीज तुम्हारे इसके अंदर है सिंगल फॉर्मूला एमसीक्यूज, ऐसे सिंगल फॉर्मूला मतलब इतने बेसिक जहां तुम्हें बस एक फॉर्मूला पुट करना है और तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। बट तुम्हें पता होना चाहिए वो फॉर्मूला कब पुट करना है, क्या उसकी वो है कॉन्सिक्वेंसेज, कैसे कैसे करना होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज की क्या क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है एग्जैक्ट टर्म्स में, यूनिट्स में। तो वो सब चीजें फैक्चुअल भी होती है और फॉर्मूला बेस्ड भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन जो आया था नीट 2023 में डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो 2v1v2 / v1 + v2, जैसे ये पुट करोगे तुम्हारे सामने आंसर होगा और मुझे फटाफट से आंसर कमेंट करना, आंसर मुझे कमेंट में चाहिए सबका, लेट्स सी कौन कर पाता चैलेंज है, ठीक है। तो ऐसे 24 एमसीक्यूज थे, 24 एमसीक्यूज, लिटरली 24 एमसीक्यूज। तो 24 प्लस तुम्हारा क्या हो गया 15 लगभग एमसीक्यूज, वहां से 38-39 एमसीक्यूज ऐसे थे जो तुम्हारे डायरेक्टली आए थे। कहां से? या तो तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सिंगल फॉर्मूला सिंगल, ठीक है, या तुम्हारा डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड, ठीक है। इसके अलावा 10-12 सवाल बचते वो थे एक दो फॉर्मूला के ऊपर या बड़ा क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर तुम इसको सही से करते हो, सही से पढ़ते हो, तुम्हारा ये चीज इजीली निकल जाएगी, तुम आराम से 160 के आसपास पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है, राइट। अब यहां पे एक चीज है कि 90% स्टूडेंट्स कांट कंप्लीट द सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है, ठीक है। देखो मेरे हमेशा दिमाग में यही था कि सिलेबस जितना जल्दी हो खत्म करो, ठीक है, क्योंकि जब तक तुम एक बार फिजिक्स को रिवाइज नहीं कर लोगे, सारे फॉर्मूलास को 10-15 बार नहीं लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा चीज नहीं क्लियर होगा, राइट। तो यही पे तुम्हें जीतना है, सबसे पहले तुम यही जीतोगे, ठीक है। सिलेबस को खत्म करो जितना जल्दी हो सके, फेब के एंड तक कर लो या मार्च तक कर लो, मार्च मिड तक, उसके आगे नहीं, ठीक है। चलो अब देखते हैं एलएनपीटी प्रोसेस, सिंपल फॉर्म में बताइए एलएनपीटी क्या होता है। सबसे पहली चीज लेक्चर करना सबको पता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लेक्चर में पैसिव लर्निंग नहीं करनी, एक्टिव लर्निंग करनी है। बच्चे करते क्या है कि पैसिवली चीजों को पढ़ते जाते हैं, मतलब क्या देख रहे हैं बस, हाँ टीचर पढ़ा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, हाँ भाई टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, चलो आगे आगे, ये चीज नहीं करनी। एक्टिव लर्निंग करनी है, मतलब क्या तुम्हें उसका प्रॉपर जान झोंक देनी है, ठीक है। जब सर सिखा भी रहे तुम्हारा पेन चलना चाहिए, पेन चलना मतलब तुम वहीं पे क्लास में अच्छे नोट्स बना रहे हो,
सुंदर नोट्स जरूरी नहीं है, अच्छे नोट्स जरूरी, इफेक्टिव नोट्स, ठीक है। अब इसमें जो क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं उसे पार्टिसिपेट करो, ठीक है। सर ने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा या तुम देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तुम्हें उसका आंसर निकालना आना चाहिए। अब इसमें प्रैक्टिस पे आते हैं, तो प्रैक्टिस में यार तुम्हारे पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए और पीवाईक्यू बुक होनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे तुम क्वेश्चन इस पे कर सकते हो, लेकिन मेरे को पता है कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए। लगभग तुम मान के चलो 150 से 200 एमसीक्यूज तुम्हें पर चैप्टर करना है, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही बढ़िया बुक के बारे में, जिसका नाम है स्मार्ट एररलेस फिजिक्स बुक फॉर क्लास 11। क्लास 12 की भी आती है, सेम बुक तुम्हारी आती है नीट के लिए, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए भी। ये आपके न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो आपका नया सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड है। और स्मार्ट बुक क्यों हुई है, इसमें वीडियो सॉल्यूशन से आपके आपके डाउट सॉल्विंग होती है, कंसेप्ट माइंड मैप्स है, ठीक है, कंसेप्ट वीडियोस भी दे रखे हैं, और रिविजन के जितना कंटेंट चाहिए होता है सब कुछ इसके अंदर है। 3300 क्वेश्चंस इसके अंदर है, 35 ईयर्स के पास्ट क्वेश्चंस ये भी है, और आप अपने इसमें टेस्ट जो है वो डिजाइन कर सकते हो यूजिंग द QR कोड गिवन हियर, ठीक है। तो ये तुम्हारी बुक है, काफी बढ़िया बुक है, देख सकते हो, ये इसका इंडेक्स है, ठीक है, इसके अंदर सारी सारी चीजें दे रखी है। तो जितने भी लोग हैं जिनको भी चाहिए कि यार एक अच्छी बुक चाहिए जो नीट लेवल की हो, ये सारे क्वेश्चंस है नीट लेवल की हो, जिसमें आपको सारे एमसीक्यूज विद प्रॉपर सॉल्यूशंस मिल जाए, हर एक चीज मिल जाए, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। काफी ट्रस्टेड ब्रांड है, बहुत दिनों से है, तो इसकी लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड कैन गो एंड चेक आउट द बुक। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, कई बच्चे पूछते हैं कि भैया क्या NCERT करनी चाहिए। तो मैं तुम्हें बता दूं यार, NCERT में जो क्वेश्चन है इन टेक्स्ट, ठीक है, वो सब क्वेश्चन तुम्हें किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएंगे, जो भी अच्छी बुक हो तुम्हारे पास मॉड्यूल है उसमें मिल जाएंगे, तुम्हारे पास कोई और बुक है उसमें भी मिल जाएंगे। तो कोई भी एक अच्छी बुक उठा लेना, उसके अंदर तुम्हें सबसे अच्छे सवाल मिल जाएंगे जो NCERT के ही इंटेक्स क्वेश्चन होंगे। क्योंकि तुमने कहीं पर भी मॉड्यूल कर रखी है, किसी भी कोचिंग के DBPs कर रखे हैं, किसी कोचिंग का मटेरियल कर रखा है या कुछ भी कर रखा है, तो तुम मान के चलो कि तुम्हारा उसके अंदर NCERT के क्वेश्चन 90% से ऊपर कवर हो चुके हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में NCERT नहीं पढ़ी फिजिक्स, क्योंकि मुझे टाइम बर्बाद है, ठीक है। कई लोग कहते हैं अभी भी कि NCERT पढ़ो, जरूरत नहीं है, तो अगर क्लास की मॉड्यूल है या क्लास के नोट्स है या टीचर के नोट्स है, मोर देन सफिशियंट है, क्लास में ध्यान दो, क्वेश्चन बन जाएंगे, राइट। अब इसके अलावा एक चीज और है कि मैंने लास्ट में क्या किया था, लास्ट के 5-6 दिन निकाल के, 7 दिन लगभग निकाल के, मैंने जो पॉइंट्स टू पॉन्डर होता है, जो पॉइंट्स NCERT में ब्लैक में है उनको पढ़ा। उसका रीजन यही था कि कहीं ना कहीं बाकी लोगों से एडवांटेज लेना, टाइम सेव करके, ठीक है। तुमने प्रैक्टिस कर ली पर चैप्टर अच्छे से, 150-200 क्वेश्चंस तुमने एक बार नोट्स देख लिए, PYQs तुमने कर लिए, लेक्चर तुमने देख लिए अच्छे से, ठीक है। अब तुम्हें टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यही पे होता है एनालिसिस, ठीक है। टेस्ट तुम्हारे मार्क्स चेक करने के लिए नहीं होते, सबसे पहले चीज दिमाग में ये फिट कर लो कि इसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। मेरे साथ ये कई बार हुआ, अपने पहले टाइम ने नीट के कि यार टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आया फिजिक्स में, अगली बार फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा। 2-3 बार स्कोर कम आया उसके बाद तो मोटिवेशन एकदम डाउन, पढ़ने का मन नहीं करता फिजिक्स। तो हमने क्या सोचा हमेशा दिमाग में कि भाई फिजिक्स में जो भी स्कोर आए, जब पेपर खत्म होगा उस रात तक जितने क्वेश्चन फिजिक्स में थे, 45 क्वेश्चन हमारे आते थे, अब 50 आते, 45 के 45 क्वेश्चंस के कंसेप्ट, 45 के 45 नॉलेज, प्रैक्टिस, सब कुछ मुझे आनी चाहिए। इसको कहते हैं इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है। तो जैसे पेपर खत्म हुआ, मैंने 2-3 पेपर अपने बुक से निकाले, उसमें हर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना उसको लिखा, उसको एनालाइज किया, उसके पूरा फॉर्मूला लिखा, कंसेप्ट लिखा, और ऐसे पूरे सारे क्वेश्चन लिखे जो नहीं बने थे, और उसको स्टेपल कर दिया अपने पेपर के साथ, ठीक है। तो ये मैंने चीज अपनाई थी, आप एक बुक भी से मानते कोई इशू नहीं है, बट आपको टेस्ट के बाद हर एक क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। आप खुद एक अंदाजा लगाओ, अगर आप पूरे नीट जर्नी में 60 टेस्ट भी देते हो, 60 टेस्ट, इसमें 50-50 सवाल आते हैं MCQs जो नीट लेवल का है, तो ये तुम्हारे 3000 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। किसके हो गए 3000 क्वेश्चन, बस फिजिक्स के 3000 सवाल। और अगर ये 3000 सवाल तुम्हारे में फिट है, तो तुम मान के चलो कि तुम्हें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकते हो, कि इससे बाहर कुछ नहीं आना, ठीक है। जो तुम्हें तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो तुम टेस्ट दे रहे हो, उसमें ही 90% पेपर आने वाला है, लिख के ले लो मुझसे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लेक्चर्स, नोट्स, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। अब इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को बहुत से प्रैक्टिस करना। देखो मैंने क्या कहता अपने वक्त, मैंने कुछ टॉपिक्स लिख लिए थे कि भाई इनसे तो हर साल सवाल बनता ही बनता है, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। और इसकी एक लिस्ट मैं आपको दे भी दूंगा, मैंने एक वीडियो बनाई हुई भी है, डीकोड वीडियो, जिसकी मैं लिंक आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उसमें आप जाकर देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके बहुत बार रिपीट हुए। अब जो टॉपिक तुम्हें पता है कि सबसे रिपीट होता है, उनको तो छोड़ना ही नहीं है, और इनको खास कर नीट से कुछ कुछ दिन पहले रिवाइज करना है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अब मान लो मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए, बट मुझे पता है कि हर ये टॉपिक है, जैसे मुझे पता है कि भाई मैंने कहा भी था नीट से पहले पहले इस बार
कि तुम्हारा टॉपिक है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1/2 pi √LC, ये आता ही आता है, और वो बच्चों ने करके गए फॉर्मूला, लटके गए क्वेश्चन में, डाला फॉर्मूला में, आंसर मिल गया, दैट्स इट। ठीक है, यही चीज तुम्हें करनी है। जो मोस्ट एक्सपर्ट टॉपिक्स है उनका अलग से बुक बना लो, बनाना है तो, नहीं बनाना है तो उनको लिख लो ताकि वो कोई मिस ना हो। ठीक है, दैट्स इट। होप कर दो कि आपको आइडिया लग गया होगा। अगर फिजिक्स में अच्छा करना तो कीप इट सिंपल बट गिव योर 100%। 100% दोगे, एफर्ट लगाओगे तो सिंपल वे में तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ज्यादा लोगों के बातों में मत आओ कि भाई बहुत पढ़ना पड़ता है, ये भी है वो भी है, तुम्हें मेंटली बहुत शार्प होना पड़ता है, कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हें बस कंसेप्ट ग्रैप करना है, सिंपल कंसेप्ट होते हैं, सिंपल फॉर्मूला होता है, कोई भी कर लेगा, तुम में से कोई भी कर लेगा लिटरली, अगर वो जज्बा है तुम कर लोगे। ठीक है, सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।